हे गाइस, माय नेम इज राहुल कुंतल। और यार आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज्ड किया है, उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले जो गेम है वो है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स के लिए जो फेडरेशंस है मतलब जो फेडरेशन है वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला गेम आता है अत्यपत्य। अत्यपत्य गेम के लिए जो फेडरेशन है वो है अत्यपत्य फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला गेम आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बेसबॉल, अमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बॉडी बिल्डिंग, बॉडी इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन। इसके बाद बॉक्सिंग, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद ब्रिज, ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद चेस, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसके बाद साइकिलिंग, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिल पोलो, साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया। डेफ स्पोर्ट, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ। इसके बाद इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद फेंसिंग, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके बाद हैंडबॉल, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हॉकी, हॉकी इंडिया। जूडो, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। कबड्डी, अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद कायाकिंग एंड कोइंग, इंडियन कायाकिंग एंड कोइंग एसोसिएशन। इसके बाद कराटे, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। खो खो, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद कूडो, कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद लॉन टेनिस, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। फिर मलखम्ब, मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। मोटर स्पोर्ट्स, द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। इसके बाद नेटबॉल, नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पैरा स्पोर्ट, पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। पैनकेक स्लाट, इंडियन पैनकेक स्लाट फेडरेशन। पोलो, इंडियन पोलो एसोसिएशन। रोल बॉल, रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रोइंग, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रग्बी, इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। स्कूल गेम्स, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। सेपाक टकराव, सेपाक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया। शूटिंग, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। शूटिंग बॉल, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत, ये भी एक फेडरेशन है। उसके बाद सॉफ्ट टेनिस, अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्क्वैश, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्विमिंग, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेनिस सॉरी टेनिकॉइट, टेनिकॉइट फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेन पिन बॉलिंग, टेन पिन बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद ट्रायथलॉन, इंडियन ट्रायथलॉन फेडरेशन। टग ऑफ वॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वेट लिफ्टिंग, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसके बाद रेसलिंग, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। वूशू, वूशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याचिंग, याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये हैं कुछ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनके अलावा जितनी भी फेडरेशंस हैं सारी की सारी फेडरेशंस फर्जी हैं, मतलब कि उनके सर्टिफिकेट का या उनके गेम्स का कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ पर जाकर गेम्स में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि उनका सर्टिफिकेट मिलेगा और वो हमें कहीं जॉब्स में काम आएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इनके अलावा जितनी फेडरेशंस हैं उनके गेम्स के द्वारा जो वसूली की जाती है तो उस वसूली से बचो, और जितने भी लोग इससे पैसा कमा रहे हैं उनसे दूर रहो और सेफ रहो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर भी करना, ताकि फर्जी फेडरेशंस के चक्कर में लोग किसी को पैसा अपना दे ना बैठें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर स्टॉप प्लेइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। जय हिंद।